ये इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप है, ठीक है, मैं भी आपके सामने बताऊंगा, इसमें सिर्फ प्रोटोटाइप पूछिए। दिस इज कॉल्ड एडीटी। व्हाट इज एडीटी? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ओके। और ऊप की जबान में यूजली हर क्लास जो होती है हम कहते हैं ये इसकी एडीटी है, एंड दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि ओवरऑल अगर आप तो एज ए नटशेल देखो तो वो ये दिखेंगे। इसमें क्या मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये इसके फंक्शंस हैं। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है? नहीं पता, इसीलिए उस आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, बस नहीं आपने ऐसे एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में बताया कि ये इसमें एट्रीब्यूट पड़े हुए जो कि बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, ओके, और ये फंक्शनैलिटी है जो तुम यूज कर सकते हो, एंड दैट्स इट, ओके। दिस इज कॉल्ड एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा, बस नहीं। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन इज कि आप जब इस एडीटी का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके प्राइवेट जो स्पेसिफायर के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं, चाहे वो एट्रीब्यूट हो चाहे वो फंक्शन हो, वो बाहर की दुनिया से एक्सेसिबल नहीं होंगे। ये बात सुना कि बाहर की दुनिया से एक्सेसिबल नहीं होंगे। जी सर, हम एक फाइल में दो क्लासेस बना सकते, एक फाइल में दो क्लास बना सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, ओके। एक हेडर फाइल में आप चाहे 50 कर क्लासों की आप डिक्लेरेशन यानी एडिटीज लिख दें, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। जी मैडम। सर मुझे अभी इसकी डिफिनेशन जो है पहले तो सीपीपी पे लिखी है, उसकी मुझे लॉजिक नहीं समझ। उसकी लॉजिक क्या है? कर क्यों रहे? बेसिकली आइडिया ये है कि तुम एज ए एस्थेटिक सेंस की बात अगर करें, यार ये एक टाइप है जो मैंने अलग बता दिया, ठीक है? तो बेसिकली तुम कार लेने के लिए गए हो तो तुम्हें कहा जाता है यार ये तुमने यहाँ पे तुम उसको चाबी दे सकते हो, ये तुम्हारी रेस है, ये तुम्हारी ब्रेक है, ये तुम्हारी ये है, ये बस भाई, और तुम्हें इसकी इंटरनल डिटेल हम बता सकते हैं, ये बस भाई। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं तुम्हें कह सकते हैं भाई ये तुम्हारी फरारी है, तो फलाना है, तो फलाना है, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अलावा हम पूछ सकते हैं, बस नहीं। तो बाहर की दुनिया में जब तुम उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे यूज करना शुरू करोगे तो तुमसे पब्लिक वाले जितनी भी चीजें हैं उन्हें तुम कॉल कर सकते हो, तुम इवन कुछ एट्रीब्यूट्स भी पब्लिक रखना चाहो बना सकते हो। ये सब कुछ समझ में आई बात? इस तरह ये नहीं, ये जो आवर है मैं चाहूँ तो पब्लिक पोर्शन में डाल सकता हूँ, अगर डालोगे तो फिर वो बाहर के उसी के बनाए हुए ऑब्जेक्ट से एक्सेस होके अपडेट भी हो सकता है, बट यू आर टेकिंग अ रिस्क, ठीक है? कीप दिस थिंग इन माइंड। इवन आप चाहो तो कुछ फंक्शंस को भी प्राइवेट कर सकते हो, ये और वो फंक्शंस बड़े स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो अगर आपका नाम होता है वो यूजुअली आपकी क्लास जो है वो हेल्प करने के लिए यूज करती है। अब नई बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हल्की सी, आप जो अगली क्लास बनाने लगे कॉम्प्लेक्स नंबर की भी मैं दोबारा से एक बार रिव्यू करवाऊंगा आपको, जो अगली क्लास हम बनाएंगे उसमें होगी फ्रैक्शन की क्लास, ठीक है? अब फ्रैक्शन की क्लास में बेसिकली क्या चीजें, अगेन दो एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब जब तुमने दो नंबर्स को ऐड करना होगा, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा, कैसे ऐड करते हैं? आपको निकालना पड़ता है एलसीएम, तो बेसिकली दो नंबर्स का तुम्हें एलसीएम निकालना पड़ेगा, और वो एलसीएम में बड़ा मजेदार फार्मूला होता है कि आप इसके लिए जीसीडी निकाल लें, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय जीसीडी कर दें तो आप आंसर आ गया एलसीएम, ठीक है? तो जीसीडी निकालना पड़ता है, जीसीडी इज द लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है ना? तो हमने जीसीडी निकालना सीखा भी था अपने जीसीडी के अंदर, वही हम यहां पर निकाल लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हम जीसीडी का अलग फंक्शन बनाएंगे, एलसीएम का अलग फंक्शन बनाएंगे, ओके? और वो दोनों के दोनों फंक्शन फ्रैक्शन की क्लास में पब्लिक नहीं होंगे, प्राइवेट होंगे। क्यों प्राइवेट होंगे? क्योंकि जब हम ऐड के फंक्शन में हम बाहर दुनिया को कहेंगे दो फ्रैक्शन ऐड हो रही है, लेकिन ऐड का फंक्शन इंटरनली एलसीएम या जीसीडी जो भी इसे कॉल करना से कॉल करेगा, ये बात सुनाई? तो वो बेसिकली क्या है, वो मेरी यूटिलिटीज है, दे आर कॉल्ड यूटिलिटी फंक्शन।
एवरीबडी अंडरस्टैंड. सो इवन आप फंक्शंस को भी प्राइवेट कर सकते हैं जो आपकी क्लास में एज ए हेल्पमेंट के तौर पे यूज कर. एवरीबडी अंडरस्टैंड? ओके जी. रेसिडुअल्स अगर क्लास से बाहर जीसीडी का फंक्शन हो बिल्कुल हो बिल्कुल हो सकता है, बट एक्चुअली तुम ये कहना चाह रहे हो कि फिर तुम अपनी इंप्लीमेंटेशन डिटेल बाहर बता रहे हो क्योंकि फिर वो जीसीडी कहीं से भी कॉल हो सकता है. ये बात समझ? बेसिकली अगर हम थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो बेसिकली चेस की क्लास बनाएंगे. तो वो जो छह फंक्शन होंगे वो छह फंक्शन चेस की क्लास के यूटिलिटी फंक्शन होंगे, बाहर नजर नहीं आएंगे. तुमने बाहर की दुनिया को क्यों बताना है कि इस हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर इस वर्टिकल पाथ क्लियर? वी डोंट वांट टू शो दैट. वो हमारी एक्चुअली क्लास के सेक्शन में अंदर छुपा हुआ है और वो बाहर नजर नहीं है. बस नहीं. सो यूटिलिटी फंक्शन का फायदा क्या होता है? यूटिलिटी फंक्शन क्या कह रहे हैं कि आपकी क्लास की इस क्लास की में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि बार बार आपको करनी पड़ सकती है और वो सिर्फ यही के लिए है, बाहर की दुनिया के लिए इस्तेमाल नहीं होता. बस नहीं. एवरीबडी अंडरस्टैंड? चले जी, ये सारी बातें आपको मजीद पता लगेगी जब आप खुद इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे. डोंट वरी अबाउट ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट लेवल मैंने एक बार बताई है ताकि आप जब दोबारा से आए तो आपका रिफ्रेश हो जाए. तो डोंट नो नीड टू वरी अबाउट. ओके सो फार सो गुड. सबको कंस्ट्रक्टर का पता लग गया. सबको ये भी पता लग गया कि कंस्ट्रक्टर आप चाहें तो एक से ज्यादा ले सकते हैं. ठीक है, आपको याद है आपने ये लिखा था खुद लिखना पड़ेगा ये एक डिफॉल्ट ही वो हर वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा. ओके जी, यानी कि जो सी इन और सी आउट है वो भी क्लासेस है. एग्जैक्टली, क्योंकि और वो ओ स्ट्रीम की क्लास है क्योंकि डॉट गेट लाइन उसके वो एग्जैक्टली डॉट गेट लाइन उसका बेसिकली अंदर फंक्शन लिखा हुआ है और वही स्ट्रीम में भी डॉट गेट लाइन डॉट गेट भी है. ठीक है, डॉट इग्नोर भी है, वो सारे बेसिकली उसके अंदर लिखे हुए फंक्शन है. okay? आपको पता नहीं लगा लेकिन इसके लिए आपको आप लूप यूज कर रहे हैं. okay? जी अगर ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो हम उसके जवाब एक मिनट बाद बात कॉपी वाला काम है काफी बड़ा काम. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी.
All right. So this was my complex number class जो हमने पहले बनाई थी, है ना? इसके अंदर मैं थोड़ी सी modification कर रहा हूँ। चल, पहली बार मैंने इसी के अंदर इसकी definition करनी शुरू कर दी, है ना? मैं वैसे नहीं करता, ठीक है? So look at this, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं पहली बार लिखा, ये जो innate है, इसका नाम क्या होता है? Complex number. शाबाश, इसका नाम complex नंबर होना चाहिए, ओके? और ये जो आपने लिखा है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेमी कॉलन, और यहाँ मैं जाता हूँ इसकी सीपीपी में। स्ट्रक्चर रिटर्न नहीं कर सकते? नहीं। हाँ जी, लिखूँगा क्या मैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ मैं ब्रैकेट रखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा एंड R and I definition, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, C लिखा हुआ था, I नहीं होना चाहिए इस ग्राफ पे, I होना चाहिए बेसिकली, यहाँ पर भी I होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर इसका नाम मैं हटा ही देता हूँ, क्यों हटा देता हूँ? किसी जरूरत नहीं है बेसिकली, यहाँ पर भी ये मैं सारी इंप्लीमेंटेशन यहाँ से डिलीट करूँगा, यहाँ पर जाके सेमी कॉलन लगाऊंगा, ओके? यहाँ जाऊंगा, जी ये रखिए प्लीज, बात सुनो, यहाँ मैं लिखूंगा रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन ऐड, और यहाँ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर एम परसेंट सी सी दो दफा क्या लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? रिटर्न टाइप है ये बेटा, इसकी रिटर्न टाइप है जी। तो पहले बेटा आप लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर आप लिखते हैं क्लास नेम, फिर लिखते हैं कॉलन कॉलन, फिर लिखते हैं फंक्शन नेम, फिर लिखते हैं यहाँ पे हम आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है? में वहां पर ऐड की जो नाम है यही है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स लिखा हुआ और यहाँ पे कॉन्स नहीं लिखा हुआ, कैन यू टेल मी कि ये गलती क्या है यहाँ? अब इनिट तो गायब हो गया है, तो बेसिकली ये हो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर बनाया, इसी के अंदर ही मैंने आर्गुमेंट पास कर दिए, कंस्ट्रक्ट हो गया और वो आर मैंने रिटर्न कर दिया, पता नहीं सॉरी डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। इधर आइए, बात सुनिए जी, प्लीज बात सुनिए जी, मैं यहां आता हूं, प्लीज बात सुनिए, मैं यहां आके एक और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता, और मैं यहां आऊंगा, अब ये यहां पर ना एरर दे रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट्स द एरर? वो कह रहा है फंक्शन डेफिनेशन नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि उसकी जो सीपीपी है उसमें मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहां जाऊंगा, यहां जाके जिधर मर्जी लिख दे, यानी पहले लिखना है, पहले जो वहां लिखा वहां पहले आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे खाली, और यहाँ लिखेंगे हम रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी इज इक्वल टू जीरो, आगे सुनो जी, इधर आ जाए, इधर आ जाए प्लीज, यहाँ आए, ये जो प्रिंट है इसको भी मैं यहाँ से उठा देता हूँ, प्लीज बात सुनो जी, और प्रिंट फंक्शन के आगे नीचे दोबारा से वार्निंग आ गई है कि मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सीरीज में जाना पड़ेगा, यहाँ जाके लिखेंगे void complex number colon colon print g,
यहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी. ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके यहाँ क्या है, हमने प्रिंट बना लिया है, अब एक काम करते हैं सब्ट्रैक्ट बना लेते हैं. ठीक है सब जी बताए इसका नाम सी टू रखने की जरूरत है, सी टू सी रखो. ठीक है लेकिन ये याद रखिएगा ये एक्चुअली राइट ऑपरेंड है. ठीक है वो जो ऐड के बाद आता है राइट साइड पे लिखा है उसके बाद. ठीक है ऑल राइट यहाँ गए एग्जैक्टली मैं यही कॉपी कर लेता हूँ यही पेस्ट कर देता हूँ इसका नाम रखता हूँ क्या सब ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा. ठीक है सर प्रोटोटाइप में हमने अलग नाम लिखा है सॉरी कोई फर्क नहीं यहाँ अगर आपने नाम चेंज करना है चेंज कर दें नहीं चेंज करना चाहे ना चेंज करें. ठीक है क्योंकि बेसिकली प्रोटोटाइप के अंदर तो आप यहाँ पे नाम लिखे ना लिखे उसे इग्नोर ही करना. ओके ये बस ना क्योंकि प्रोटोटाइप है ना ऊपर आप जो मर्जी प्रोटोटाइप में नाम लिखते हैं नीचे आप उसको चेंज करना चाहे चेंज कर दें सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. ओके जी इसी तरह हम एक और बना लेते हैं मल्टीप्लाई जी कैन यू टेल मी के इसकी डेफिनेशन क्या हो जी मल्ट. ओके क्या होता है फॉर्मूला रियल इनटू इनटू रियल सर बेसिकली रियल इमेजिनरी जी माइनस इमेजिनरी इनटू सी डॉट इमेजिनरी. ओके कॉमा This, जी ये लिखना जरूरी नहीं है इमेजिनरी. हाँ जी बताए जी इंटू सी डॉट रियल आगे प्लस रियल इंटू सी डॉट ये और राइट जी ये मैंने कर लिया. अब मेरा सवाल ये है कि एक फंक्शन मेरा और है जिसका नाम है इनवर्स और इनाम से किसी ने सवाल भी किया था और इनाम ने उसके जवाब भी दिया था कि कुछ लोग हैं जो इनवर्स फंक्शन में भी पैरामीटर पास करते हैं. इनवर्स पैरा इनवर्स फंक्शन जो है उसका काम बेसिकली क्या है कि जिसके ऊपर इनवर्स कॉल हुआ है उसी का इनवर्स निकालना. बस ना कि सो इनवर्स बेसिकली क्या कहता है उसी नंबर का इनवर्स निकालना. ये सबको समझ आ गई बात? अच्छा लेकिन इस ये करने से पहले हमें एक चेंज करनी पड़ी और वो चेंज है क्या कि ये जो हमने रियल और इमेजिनरी लिखे ये हमें फ्लोट डबल कर दे जो भी आपको सही लगे. सो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने इसको पैरामीटर में पास किया है नाउ यू शुड यूज द पावर ऑफ फ्लोट कि आप क्या करें या साइलेंस हो जाए जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस कर दें यहां पे एंट इंट पास करने के बजाय फ्लोट फ्लोट पास. ठीक है बेटा ये मैं पूरी की पूरी कोडिंग जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं काम करने लगा हूं वो इजी नहीं है तो बी अटेंटिव. ओके और ये दोबारा आपके सामने करने का मतलब ये है कि आप आके आप रिफ्रेश हो जाए. ओके एंड देन आई विल टेक इट बैक जो ऑल राइट सारे
me write this function. जी पहले यहाँ नहीं लिखते, पहले हम यहाँ लिखते हैं, तो नाम रखा हमने इनवर्स, लिख लिया यहाँ पे, यहाँ आए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन इनवर्स, यहाँ गए, यहाँ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर बनाया, आर स्टैंड फॉर रिजल्ट, दैट इज बेटर. जी इसके बराबर होता है दिस एरो रियल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दिस, तो आपको याद है फॉर्मूला क्या था, तो मैं ऐसा करता हूं यहां पे दो वेरिएबल बना लेता हूं फ्लोट ए, जी फ्लोट ए बनाया मैंने, इसको मैंने दिस एरो रियल कॉल कर दिया, बी बनाया इसको मैंने दिस एरो इमेजिनरी कर दिया, ठीक है. लुक एट दिस जी a over, हाँ जी a square है a into a plus b into b, ठीक है, ये हो गया, और minus b divided by a into a minus, नहीं sorry plus b into b, sorry चार, तो मतीन ये कह रहा है कि ये क्वांटिटी है, ये भी आप डिनोमिनेटर की तरह अलग बना लें ताकि आपको इस फाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. तो मतीन का पॉइंट ये है कि आप दो तरह के इक्वेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन डू दैट रिटर्न आर करके, ठीक है. या प्लीज आप लुक एट कॉम्प्लेक्स नंबर डिव कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एम्परसेंट आर, ठीक है. लिसन प्लीज, मैं आ गया, लुक एट दिस, पेश किया मैंने, क्या गलती है बेटा इसमें, मैंने रिटर्न टाइप तो लिखी है, मैंने ये नहीं लिखा, ठीक है. एंड नाउ लुक एट दिस, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जब जब लिखते हैं ना सी वन डिवाइडेड बाय सी टू, दिस इज बेसिकली इक्वल टू सी वन मल्टीप्लाई बाय सी टू का इनवर्स, ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कोर्स. सो बेसिकली ये निकालने का तरीका हमें पहले ही पता है. सो व्हाट यू कैन डू इज, क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो सेकंड पैरामीटर आया उसका इनवर्स निकाल दो, मल्टीप्लाई. सो लुक एट दिस, लुक एट दिस, क्या कर रखो. And now I will use the power of my already made function. Look at this. One line function. Return. 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 Static. This. क्या मतलब है इसका? जो जिसके through call हो गया मैं उस object की बात कर रहा हूँ. Okay? Dot. Arrow. G. Dot. मल, मल का मतलब है मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके, पैरामीटर आर डॉट इनवर्स होना चाहिए था लेकिन ये इनवर्स नहीं देगा. कैन यू टेल मी द रीजन व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, एग्जैक्टली, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात के अगर आप कोई कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बनाए तो कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कि वो चेंज नहीं हो सकता. और आप गौर से मेरी बात सुने, वो ये अगर आप कोई कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ऐसा कोई भी फंक्शन कॉल नहीं कर सकते.
फंक्शन बनाए, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह के छह फंक्शन किसी भी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हो सकते। एंड लुक एट दिस प्लीज, क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं इस एड फंक्शन के अंदर दिस को चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, इसका सच में मैंने चेंज किया था, इसलिए मैं एड में भी चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताए, ये जो एड फंक्शन है, क्या एड फंक्शन में दिस जिस दर पॉइंट कर रहा है उसके अंदर चेंजेस होनी है? नहीं होनी। क्या सब जो है वो जो दिस लेफ्ट आर्गुमेंट में जो पास हुआ, क्या उसमें वो कुछ बदलाव करता है? नहीं करता। मल्ट क्या कोई बदलाव करता है? नहीं करता। इनवर्स क्या कोई चेंजेस में लाता है? नहीं लाता। जो वो नया बनाता है, नया बना के रन करता है, वो ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं करता। और ये प्रिंट है, ये भी ये काम नहीं करता। व्हाट यू शुड डू इज कि आप हर फंक्शन के एंड पे कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? ये देखें जी, आपको याद है मैंने आपको कहा था, सही बात बोल रही, ये जो तमाम के तमाम फंक्शन होते हैं, इसके अंदर बेसिकली एक तो आपने ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एम परसेंट सी आर पास किया, जो कि इसका नाम रखा है ना, और साथ यहां पास होता है ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही टाइप का स्टेरिक कॉन्स्ट, दिस यहां पर एक्चुअली कॉन्स्ट होता है। इस कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? इस कॉन्स्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप अगर दिस पॉइंटर में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज नहीं करेगा। इस कॉन्स्ट का मतलब बेसिकली ये कि जो दिस पॉइंटर खुद है, ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है उसी की तरफ ही पॉइंट करता है। दिस विल बिहेव एग्जैक्टली एज जैसे आप स्टैटिक अरे बनाते, तो स्टैटिक अरे में जो स्टैटिक अरे का जो नाम होता है वो चेंज नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह जो दिस है ये कभी भी नहीं बदलता। अगर आप इस फंक्शन के एंड में कॉस्ट लगा दो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली जो दिस पॉइंटर है वो ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं ये एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो पाएगा। समझ आई बात? तो बेसिकली इसके एंड में कॉस्ट लिखने से क्या हो गया, इसका मतलब ये कि वो कह रहा है कि भाई जो आपका लेफ्ट आर्गुमेंट है जिसके थ्रू आपने कॉल भेजनी है वो उसको मैं चेंजेस नहीं करूंगा, डोंट वरी अबाउट। ये बात सुना कि ये जो इसका दिस पॉइंटर है वो क्या है? वो रीडिंग पर्पस के लिए हुआ है। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज कॉन्स्ट एट द एंड ऑफ ऑल दोस फंक्शंस जिन्होंने दिस में बदलाव नहीं कर, चेंजेस नहीं कर। सो कैन यू टेल मी वन थिंग, क्या इस तरह से मैंने टाइम की क्लास बनाई थी बिजली के एग्जांपल में, उसमें जो सेट फंक्शन वो कॉन्स्ट हो सकता है? वो कॉन्स्ट नहीं हो सकता। प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट जो स्टैंडर्ड थे वो कॉन्स्ट हो सकता है? वो हो सकता है क्योंकि वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बात समझ आई? सो बेसिकली क्या ऐड ऐड जो है क्या वो दिस वाले में चेंजेस कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि नया रिजल्ट बनाता है। ये भी एक नया रिजल्ट बनाता है, ये भी एक नया रिजल्ट बनाता है, ये भी एक नया रिजल्ट बनाता है, ये भी एक नया रिजल्ट बनाएगा। बेसिकली मैं सब क्या के कॉस्ट लिखूंगा और मैं इवन प्रिंट के आगे भी कॉस्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी कुछ चेंजेस दिखा। तो बेसिकली यहां पर भी मैं कॉस्ट लिखूंगा और ये अब सब के नीचे अंडरलाइन कर रहा है और वो भी ग्रीन वाले से, मतलब पता क्या है? सोर्स में मैंने चेंजेस देखी तो ये वार्निंग कह रहा है कि मुझे ये फंक्शन अगर नहीं आया किधर, ठीक है? तो बेसिकली उन सारों के अंदर जाकर मुझे एंड में कॉस्ट लिखना पड़ेगा, विच मींस मैं यहां पे जाऊंगा, यहाँ पे कॉस्ट लिखूंगा, सॉरी कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखना कॉस्ट, ऑफकोर्स इसमें भी नहीं लिखना, इधर भी कॉस्ट लिखूंगा, इधर भी कॉस्ट लिखूंगा। बेटा सीधी जी वो रेड क्यों कर रहा है पता है? ये तो वहां पर अब है ही नहीं, ओके? तो इसलिए ये एरर है, ये भी कॉस्ट हो गया,
और ये भी कौन सा हो गया? और आप देखें, ये पहले ऑप्शन नहीं दे रहा था, ये देखें मैंने डॉट किया और मैंने स्पेस बार नजर आ रहे, ये तमाम फंक्शन नजर आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो अब कॉन्स्टेंट है और ये बजात खुद जो आर है वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ आप क्लास के वही फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो के कांस्टेंट्स हो, यानी कि उनकी फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद कॉन्स्ट लिखा हो, जिसका मतलब है कि उसका दिस पॉइंटर बनेगा वो जिस डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको नहीं बदलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। सो बेसिकली ये हो गया, मैंने यहां पे इनवर्स कॉल किया और यहां ये लेकिन जो कॉन्स्ट है वो सिर्फ कॉन्स्ट सॉल्व कर सकता है। सो अगर एक ऐसा पॉइंटर है जो के राइटेबल भी है और रीडेबल भी है, एवरी राइटेबल पॉइंटर इज आल्सो अ रीडेबल, तो बेसिकली वो तमाम को कॉल कर सकता है। लेकिन अगर वो अगर आप कॉन्स्ट वाला लेंगे तो वो सिर्फ कॉन्स्ट वाले को कॉल कर सकता है। मतलब अगर एक पॉइंटर है जो के रीड ओनली मेमोरी को पॉइंट कर रहा है तो वो रीड ओनली फंक्शनैलिटी कर सकता है। अगर एक पॉइंटर है जो कि राइटेबल स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो उसमें रीडिंग पर्पस से भी काम कर सकता है, राइटिंग पर्पस से भी काम कर सकता है। एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड कि हमने जो भी काम किया वो क्या काम किया। ओके प्लीज अभी मैं एक और काम करूं, वो काम ये, ये तमाम के तमाम फंक्शन जो मैंने लिखे ये काम किए, ये मैंने पहली सीरीज में आगे पाई है। लेकिन ये सारे के सारे फंक्शन जो है ये मेरे किसके मेंबर, ये मेरे क्लास के मेंबर हैं। ओके ठीक है, तो आप कैसे कॉल करेंगे? क्लास का नाम, क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट वो जो फंक्शन है वो कॉल। समझ में आ गया बात? ठीक है, अच्छा अब मैं सिर्फ एक बात एक दफा बताऊंगा तो आपको पता लग जाए कि क्या चीज है, कि ये अगला जो चैप्टर है उसके अंदर आपका इसमें आएगी। और से मेरी बात सुन, अगर 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 मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर फंक्शन ना आ, ठीक है मैं चाहता हूं कि मैं एक्चुअली ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही मैंने इसके ऐड सबट्रैक्ट थी इसके अंदर डाल दूं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये इंप्लीमेंटेशन में इसके अंदर ना करूं, सबको समझ में आ रही है मैंने क्या बात किया? ठीक है, सो लुक एट दिस। सो सबकी सबके सामने ये चीज समझ आ गई है ना क्या शुरू है? ठीक है, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जितने भी मैंने पूरी किए ना इतने को, ठीक है, ये मेरी ये मेरी यहां पर रहा, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब है बेसिकली दिस इज नॉट क्लास, दिस ये मेरा एक्चुअली मैं इसको मैंने प्रोवाइड किया और ठीक है और ये क्लास जाए, ठीक है। अच्छा मेरे बात सुनो, ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है, ठीक है, सुनिए बात को, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना ले तो फायदे नहीं है, मैं तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं तो इसका डेटा कैसे कर सकता हूँ? और प्रिंट भी हटा दिया मैंने, है ना, इसका मैंने प्रिंट भी हटा दिया, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं इसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ और उनको कुछ सेट भी करना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ, है ना। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चार फंक्शन, एक का नाम है तो
होगा void set real, इसको integer r पास में होगा void set imaginary integer i पास हो रहा होगा void सुने बात बात void sorry integer get real integer get imaginary मुझे बताया मैंने इसकी return type int क्यों रखी इसका काम क्या है return करना इसका काम ये है यूज़ इनपुट नॉलेज इसका काम ये है कि basically ये जिस object का मैं dot get real call करूँगा ना वो इसके अंदर जो उसके real value पड़ी मेरा वो return करूँगा शाबाश return type float तो ये copy कर लेते हैं ये भी float होनी चाहिए ये भी float होनी चाहिए अच्छा मैं आप सो ये इस फाइल में जाता हूँ ठीक है और ये तमाम जो मैंने यहाँ पे काम किए वगैरह इसको मैं कर दूँ ठीक है और यहाँ मैं इन फंक्शंस को डिफाइन करूँ ये जो मेरे चार फंक्शन हैं इनको मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेटा बनाई मैं यहाँ गया यहाँ मैंने पेस्ट किया यहाँ मैंने क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन कॉपी किया ये पेस्ट किया ये पेस्ट किया ये पेस्ट किया ये पेस्ट किया ठीक है अब मैं यहाँ आऊँगा ये करूँगा देखिए मैंने please never 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 forget to remove this semicolon okay अब हम देखते हैं the set real ऐसा काम क्या है this arrow real को बराबर कर दे किसके r this arrow imaginary is equal to इसके बराबर कर दे इसका नाम है get real ये कर देगा return this no real ये भी कर सकते हैं this arrow real भी कर सकते हैं Return this arrow. Imagine. ठीक है? मुनीर ने एक बहुत प्यारी बात की है कि कहता है ये जो get है, इन दोनों को कॉन्स्ट होना चाहिए एब्सोल्युटली नहीं क्यों क्योंकि ये ओरिजिनल के एट्रीब्यूट्स को चेंज नहीं क्या सेट को होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो बेसिकली हम एक चेंजेस और करते हैं हम जाते हैं सीवीपी में यहाँ पे भी जाके कॉस लगा देते हैं और यहाँ पे भी जाके कॉस लगा ठीक है सोर्स डॉट सीवीपी पे आते हैं ओके नाउ लुक एट दिस जी मैंने यहाँ पे क्या किया है मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार बनाता हूँ मैं नाम रखता हूँ सीज प्लीज लुक एट मैं यहाँ गया यहाँ जाके मैंने ओपन इन फोल्डर राइट क्लिक नमार सीज डॉट टीएसटी यहाँ मैं लिखता हूँ पांच वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव ठीक है माइनस फाइव माइनस फाइव ठीक है और बेशक यहाँ पे सिक्स सिक्स भी डाल नहीं क्योंकि मैंने पांच लिखा है तो सिर्फ पहले पांच भी डाल ठीक है मैं यहाँ आता हूँ प्लीज ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम मैंने रीडर बनाया नाम
डॉट टी एक्स टी सेमी कॉलन यहाँ क्या डील कर दो और यहाँ पे मैंने लिखा इंट नंबर सो नंबर ऑफ सी ठीक है रीडर के थ्रू सबसे पहले मैं एन ओ सी रीड करता हूँ फिर मैं सी इज इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊंगा इतने साइज का एन ओ सी टाइप का साइज का तो इतने कॉम्प्लेक्स नंबर बने ठीक है बेटा हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेटर बनाते हैं ठीक है व्हाट वी गोइंग टू डू इज सो गेट इट हम कहेंगे ये वॉश एट पास हम कहेंगे हम कुछ इस तरह की बदकार एक्सप्रेशन करना चाहते हैं हमारा एक कैलकुलेटर आएगा कंसोल स्क्रीन जैसे ही चलेगा उसमें ना यहाँ पर पांच नंबर शो C1 is equal to A, C2 is equal to A, C3 is equal to A, C4 is equal to A, जिस तरह आपने शो करने हैं, ठीक है? यहाँ पर ना कैलकुलेटर, ठीक है? और आप ये लिखेंगे, C1 is equal to C2 plus, मैं C2 में सकता हूँ, C3 में सकता हूँ, ठीक है? चाहे इस तरह करने से क्या होना चाहिए? C2 और C3 ऐड होने चाहिए और किसमें स्टोर हो जाना चाहिए C1 में स्टोर हो जाना चाहिए वो तमाम ऑपरेशंस जो आपने आपने 10 के 10 जो फंक्शन बनाए थे उन सब के लिए बेसिकली आपने एक जनरल कैलकुलेटर बनाया ठीक है मैं आपके सामने भी करता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इनवर्स ठीक है कैसे करें लुक एट दिस सबसे पहले तो बेटा ये पांचों के पांच नंबर रीड कर लेते हैं तो ये पांच कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन गए मैं फॉर लूप पे जाता हूं इंटीजर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n o c इज i प्लस प्लस यहां करें जी रीडर c इज की ith एंट्री का हंस गए क्या समझ गए हमें पहले हम क्योंकि डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पहले दो वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और उनके डॉट सेट सेट कॉल करना पड़ेगा सो बेसिकली ये काम नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पे इंटीजर एक्स इंटीजर आर बनाता हूँ और सी बनाता हूँ आर सी मैंने रिसीव किया और मैंने सीज के आईएथ एंट्री का डॉट सेट रियल कॉल किया उसमें आर भेज दिया सीज का आई डॉट सेट इमेजिनरी में इसका नाम ऐसे आई हो चाहिए नहीं वो तो दोबारा भी आई जाएगा तो सी है ठीक है अभी तक बेटा जब हमने कोड लिखा ये क्या करें ये कॉम्प्लेक्स नंबर रीड करेगा लोड कर दिए डिस्प्ले करवाए डिस्प्ले नहीं करो अच्छा बेटा बात सुनिए प्लीज मुझे बताएं ये सारे के सारे काम ये रस्ते सारे काम यहाँ होना चाहिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना चाहिए क्या नाम होता है वॉइड लोड सीज जी Can you tell me कि इसको क्या-क्या argument pass होने चाहिए? Integer m percent number of C's और क्या pass होना चाहिए? मेरे ख्याल में reader भी यहाँ नहीं बनना चाहिए, reader इसके अंदर बनना चाहिए। जी और जो C's है वो मुझे by parameter यहाँ pass करना चाहिए और ये by reference pass करना चाहिए क्यों? Changes on change. Okay, C में तो changes on. Okay? So far so good. Look. Now.
मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। सो बेसिकली अगर आप इसको देखें और ये कम नहीं करने पड़ेंगे लास्ट ईयर में।